हेलो स्टूडेंट, अगेन आई एम सारिका सेठ, आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा दो नवीन पल्लव पार्ट एक मेरी अभिलाषा है पार्ट टू, आज हम इसका पार्ट टू करेंगे। नवीन पल्लव बच्चों, इसमें ये कविता है मेरी अभिलाषा है। फिर मैंने आपको समझाया था कि सूरज सा दमकूं मैं, चंदा सा चमकूं मैं, झलमल झलमल उज्जवल तारा सा दमकूं मैं, मेरी अभिलाषा है। फूलों सा महकूं मैं, विहवों सा चहकूं मैं, गुंजित कर वन कुवन कोयल सा क्यूकूं मैं, मेरी अभिलाषा है। इसमें बच्चों हमें क्या समझाया गया था, कविता है बाल मन की सुंदर अभिलाषा अभिव्यक्त की है। मैंने इससे पहले वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में अभ्यास करेंगे। शब्द अर्थ श्रुति लेख प्रश्न उत्तर अर्थ की एक्सरसाइज जितने भी हैं हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले अपनी आप नोटबुक निकालें और नोट करना स्टार्ट कीजिए। ये बच्चों मैं रख कर देती हूँ। पहले हम लिखेंगे शब्द अर्थ। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रही हूँ जिससे आपको क्लियर हो। पहला है दमकना। दमकना, दमकना माने चमकना। सेकंड है उज्जवल। उज्जवल माने चमकता हुआ। उज्जवल, चमकता हुआ। ये बच्चों आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। फिर है अभिलाषा। थर्ड है अभिलाषा। अभिलाषा माने इच्छा। क्या तो बच्चों, अभिलाषा माने इच्छा। फिर है विहग। विहग पक्षी। फिफ्थ है इसका नभ। नभ आकाश। ठीक है बच्चों, अभी फाइव और हैं, वो मैं लिखती हूँ। ये मैं रख कर देती हूँ। सिक्स है निर्मल। निर्मल, निर्मल स्वच्छ। सेवेंथ है शशि। शशि चंद्रमा। एट्थ है अविचल। अविचल स्थिर। विचार स्थिर। नाइन है बच्चों मेघ। मेघ माने क्या होता है, बादल। और टेंथ है पथ। पथ रास्ता। पथ रास्ता। तो बच्चों ये हमारे हैं शब्द अर्थ। इसके बाद हम करेंगे श्रुत लेख। के बाद देखेंगे हम श्रुत लेख। श्रुत लेख, पहला है इसमें श्रुत लेख में अभिलाषा। अभिलाषा। सेकंड है उज्जवल। उज्जवल। थर्ड है निर्मल। फोर्थ है अविचल। बड़ा बड़ा मैं इसलिए लिख रही हूँ बच्चों आपको वीडियो में क्लियर हो। पर्वत। और लास्ट है सिक्स, इधर दिखाई देगा, हाँ जी, गुंजित। गुंजित। ओके,
ये हमारे हैं श्रुतलेख। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। ये सब बच्चे अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। क्वेश्चन बच्चों बुक में लिखे हुए हैं, मैं केवल आंसर आंसर लिखूंगी। उत्तर नंबर एक, ये हमारा का। कवि किस प्रकार दमकने के लिए कहता है? कवि किस प्रकार दमकने के लिए कहता है? कवि सूरज के समान दमकने के लिए कहता है। सेकंड देखेंगे हम, कविता में कोयल सा क्या करने को कहा गया है? कविता में कोयल सा कूकने के लिए कहा गया है। कविता में कोयल सा क्या करने को कहा गया है? कूकने के लिए, कूकने के लिए। कहां गया है? थर्ड आंसर देखेंगे हम, कविता में किस तरह निर्मल और शीतल बनने की बात कही गई है? कविता में नभ जैसा निर्मल और शशि जैसा शीतल बनने की बात कही गई है। मैं लिख देती हूँ बच्चे, यहाँ पर आप नोट कीजिएगा। कविता में नभ जैसा निर्मल और शशि जैसा शीतल बनने की बात कही गई है। ओके बच्चों, और फोर्थ है हमारा, किस पथ पर फूल की तरह बिछने की अभिलाषा है? सेवा के पथ पर। फूल की तरह बिछने की अभिलाषा है। तो ये बच्चों हमारे हैं क्वेश्चन आंसर। ये सब आपको अच्छे से कॉपी में लिख के लर्न करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम, खा क्या है? कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। सूरज सा डैश में, डैश सा चंपू में, झलमल झलमल डैश, तारों सा तंपू में, मेरी अभिलाषा है। तो बच्चों ये मैं फिलअप है, मैं आपको लिख देती हूँ, आप इनको फिल कर लीजिएगा। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, बस आंसर आंसर इसका लिख रही हूँ। खा है ये, फर्स्ट है, फर्स्ट लाइन का फिलअप है सूरज सा दमकू। सेकंड में आएगा चंदा सा, चंदा सा चंपू में, झलमल झलमल उज्जवल, तारों सा दमकू में। फोर्थ में आएगा तारों सा दमकू में। फिफ्थ है मेरी अभिलाषा है। तो बच्चे खा हमारा कविता की पंक्तियां हमने पूरी करी हैं। इसके बाद है कविता में से उदाहरण के अनुसार कू लगे शब्दों को ढूंढकर लिखना है। तो ये हमारा है गा, इसमें 1 2 3 शब्द ऐसे दिए हुए। तो पहले में आएगा दमकू, दूसरे में आएगा महकू और तीसरे में आएगा चहकू। तो बच्चों ये बुक में आप कंप्लीट कर लीजिएगा, और एक्सरसाइज आपको बुक में ही करनी है। केवल क्वेश्चन आंसर और शब्द अर्थ श्रुतलेख आपको कॉपी में करने हैं, और ये बाकी सारा बुक में। फिर है नेक्स्ट, दिए गए शब्द गलत लिखे गए हैं, उन्हें सही करके लिखना है। तो ये उज्जवल अभिलाषा निर्मल पर्वत ये गलत है, आपको सही करके लिखना है। ये मैं सही करके यहाँ लिख देती हूँ का।
व्याकरण बोध। व्याकरण बोध का है ये बच्चों। पहले में आएगा उज्जवल, ये करेक्ट उज्जवल ऐसे लिखते हैं। दूसरा अभिलाषा ऐसे लिखते हैं, नीचे आपको नहीं लिखी गई धड़ी देती मैं। थर्ड निर्मल और फोर्थ है पर्वत, ये करेक्ट आंसर है, ऐसा आपको लिखना है बच्चों। इसके बाद है खा, बॉक्स में से समान अर्थ वाले शब्द ढूंढकर लिखने, ये समान अर्थ वाले शब्द हमें ढूंढकर लिखने हैं, ये मैं लिख देती हूँ आपको ये रख करके। खा देखते हैं बच्चों, फूल, फूल को हम क्या बोलते हैं और पुष्प, बॉक्स में इधर लिखा हुआ है। सेकंड है विहग, विहग का हम क्या बोलते हैं उसको और पक्षी, समान अर्थ। थर्ड है शशि, चंदा, ये देखेंगे इधर बॉक्स में दिए गए हैं, इधर से हम लिख रहे हैं। फोर्थ है सागर का समुद्र, एंड फाइव है हमारा मेघ बादल। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए हमारे समान अर्थ वाले शब्द। इसके बाद हम करेंगे मौखिक प्रश्नोत्तर, मौखिक के भी प्रश्न इसमें लिखे हैं, मैं आंसर लिख रही हूँ बच्चों। पहले अपने देश के दो पर्वतों के नाम बताइए, ये रब कर देती हूँ मैं आपको, इजी हो जाएगा। अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा क्लियर दिखेगा। पहला है अपने देश के दो पर्वतों के नाम बताइए, उत्तर नंबर एक मौखिक प्रश्न, हिमालय और कैलाश। सेकेंड है कैलाश। ठीक है बच्चों, फिर हम देखेंगे तारे छोटे क्यों दिखाई देते हैं, उत्तर नंबर दो में लिखेंगे, ये मौखिक हैं छोटे तो छोटा ही आंसर लिखेंगे, अधिक दूर होने के कारण। फाइन बेटा, इसके बाद देखते हैं रात में खिलने वाले किसी फूल का नाम बताइए, रात की रानी। और नेक्स्ट है हमारा स्वर कोकिला किसे कहा जाता है, किसको कहते हैं हम, लता मंगेशकर जी को, तो यहां लिखेंगे हम लता मंगेशकर जी। ठीक है बच्चों, ये हो गए हमारे मौखिक। इसके बाद ये आपको बच्चों खुद करना है, कुछ अलग करे कौन क्या करता है, चित्र देखकर लिखिए। उसकी बुक में थोड़ा डिफरेंट होगा तो आप अपना आप लिख लीजिएगा। दवाइयाँ, ये डॉक्टर क्या करते हैं, इलाज करते हैं। ये क्या है, ट्रैफिक नियंत्रण करता है, ट्रैफिक पुलिस है। अध्यापक पढ़ाते हैं, सैनिक देश की रक्षा करते हैं, नर्स मरीजों की देखभाल करती है। और बच्चों ये है खेल, खेल में ये भी आप स्वयं करेंगे, दिए गए चित्र को पूरा करते हुए रंग भरिए, इसको कलर, इसको पूरे डॉट्स को मिला के कलर करने हैं, और फिर ऊपर के चित्र से संबंधित तीन चार वाक्य लिखने हैं आपको, इनसे रिलेटेड, इस पिक्चर से रिलेटेड वाक्य लिखने हैं। जैसे आपको जो भी कुछ दिख रहा है इसमें क्या बना है, यह एक बगीचे का चित्र है, बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, पहाड़ों से नदी बह रही है, सूरज चमक रहा है, कुछ भी आपको चार पांच। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा यही खत्म होता है, नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।